नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं एमवाई न्यूज। इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां मैच गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा और आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी टीम है जो ये मैच जीत सकते हैं। साथ ही ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेश रैना की कप्तानी वाली गुजरात लायंस के मजबूत पक्ष की बात करें तो टीम का बल्लेबाजी लाइनअप उनका सबसे मजबूत पक्ष है। गुजरात के पास ड्वेन स्मिथ, ब्रैंडन मैकुलम, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, एरन फिंच और रविंद्र जडेजा जैसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी किसी भी समय गेम के रुख को पलट सकते हैं। रविंद्र जडेजा की टीम में एंट्री टीम को एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, वे लोअर मिडिल ऑर्डर में आके गेम के रुख को पलट सकते हैं। तो वही एंड्रू टाई का फॉर्म में आना और अपने डेब्यू मैच में ही एक हैट्रिक ले लेना भी उनके लिए एक अच्छी बात है। गुजरात लायंस के कमजोर पक्ष की बात करें तो टीम की गेंदबाजी उनका सबसे कमजोर पक्ष है। दरअसल मुंबई इंडियंस के पास स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स की फौज है और उनके खिलाफ गुजरात को प्रॉपर गेंदबाजों की जरूरत है। एंड्रू टाई के अलावा टीम में अभी तक किसी ने भी बेहतर प्रदर्शन नहीं दिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के मजबूत पक्ष की बात करें तो टीम का ऑलराउंडर्स लाइनअप उनका सबसे मजबूत पक्ष है। दरअसल टीम के पास कायरन पोलार्ड, कृणाल पंड्या और हार्दिक पंड्या जैसे इनफॉर्म ऑलराउंडर्स हैं जो कभी भी किसी भी समय गेंद और बल्ले दोनों से ही गेम को पलट सकते हैं। मुंबई इंडियंस के कमजोर पक्ष की बात करें तो रोहित शर्मा और टीम के ओपनर्स का फॉर्म में ना आना टीम के लिए सबसे बड़ी कमजोरी की बात है। दरअसल रोहित शर्मा ने अभी तक एक भी मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उन्हें फॉर्म में आना जरूरी है। लसित मलिंगा के खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ है, हालांकि ज्यादातर चांसेस यही है कि वह यह मैच खेलेंगे। मुंबई इंडियंस और गुजरात लायंस दोनों ही टीमों को कंपेयर करके ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि गुजरात लायंस के पास ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन ऑलराउंडर्स, टीम बैलेंस और बॉलर्स की बात करें तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है और मुंबई इंडियंस ये मैच को जीत सकते हैं। आपके हिसाब से वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या ऊपर दिए गए कार्ड को क्लिक करके अपना वोट दें। क्रिकेटर आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।